शीतल मैम, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, आप एक 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 काबिल ऑफिसर है मैम, एक काबिल ऑफिसर है मैम, लगातार वो प्रदर्शन कर रही है महिलाएं मैम, मैम आप क्या उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगी मैम? शीतल मैम, आप एक काबिल ऑफिसर हैं, हम जानते हैं आप बड़ा अपने कार्यकाल में आपने बड़े अच्छे सराहनीय कार्य किए, पर कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स को नहीं मैम, एक्चुअली पता क्या, ये कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहे हैं शीतल मैम, आप प्रोग्राम खत्म हो गया, आपसे एक सवाल करेंगे, आप ही के डिपार्टमेंट के कंसर्न है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का क्या मैम, आप क्यों नहीं जवाब दे रही? शीतल मैम, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जब आप भागती क्यों हैं सवालों से मैम? मैम प्रोग्राम तो खत्म, रिफ्रेशमेंट भी होगी, रिफ्रेशमेंट की बात कर रहे थे मैम, आप भागती क्यों हैं सवालों से? शीतल नंदा मैम, आप ही के डिपार्टमेंट के कंसर्न सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं लगातार सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रही हैं मैम, अब तो रिफ्रेशमेंट नहीं है, आप तो पूछ बता सकते हैं ना, जवाब तो आप तो दे सकते हैं मैम, अब तो जवाब मिल सकता है, आप भागती क्यों सवालों से? ये लीजिए जनाब, शीतल मैम, आप प्रोग्राम खत्म हो गया, आपसे एक सवाल करेंगे, आप ही के डिपार्टमेंट के कंसर्न है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का क्या मैम, आप क्यों नहीं जवाब दे रही? शीतल मैम, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जब आप भागती क्यों सवालों से मैम, मैम प्रोग्राम तो खत्म, रिफ्रेशमेंट भी होगी, रिफ्रेशमेंट की बात कर रहे थे मैम, आप भागती क्यों सवालों से? शीतल नंदा मैम, आप ही के डिपार्टमेंट के कंसर्न सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं लगातार सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रही हैं मैम, अब तो रिफ्रेशमेंट नहीं है, आप तो पूछ बता सकते हैं ना, जवाब तो आप तो दे सकते हैं मैम, अब तो जवाब मिल सकता है, आप भागती क्यों सवालों से? ये लीजिए जनाब, आपने देखा काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रोग्राम चल रहा था, शीतल नंदा मैम प्रोग्राम में थी, उसके बाद उन्होंने रिफ्रेशमेंट ली, कहा जी मैं अभी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, पर अब जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, रहेंगी तो वो कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, तो सवाल वही पूछेगा, उन्हीं से पूछेंगे जो आला अधिकारी हैं, तो हमने फिर से सवाल किया उनसे, जितनी भी सोशल आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हेल्पर हैं लगातार सड़कों पर उतर रही हैं, आप एक भी एक महिला अधिकारी, आप क्या कहना चाहिए कि आपको उनका दर्द नहीं दिखता और सवालों से भागती क्यों है आखिर? शीतल नंदा आईएएस ऑफिसर हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि जब भी सवाल पूछे, हमारे सहयोगी भी पूछते हैं, मैडम इस तरह से भागती हैं कि आखिर किस चीज़ का डर है क्या, या मैडम के पास कोई जवाब नहीं है? सवाल तो हम बार बार करेंगे, कहीं भी ये जाएंगे, कहीं भी हमें ये ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, हम इनसे सवाल ज़रूर करेंगे, क्यों आखिर इनके सवालों का जवाब हम किससे लें? हम किसी नेता से तो लेंगे नहीं, क्योंकि कंसर्निंग डिपार्टमेंट की ये एक हेड हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर इन्हीं के अंडर आता है, तो सवाल तो हम इन्हीं से करेंगे, ये तो हमें स्पेशली टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है, अगर मीडिया को टाइम दिया तो मीडिया इनसे सवाल पूछेगा, जब तीखे सवाल होंगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम चिकनी चुपड़ी बातें तो करेंगे नहीं, हम उन महिलाओं का, उन बहनों का दर्द ज़रूर बयां करेंगे जो लगातार वो सड़कों पर धूप में, हर कोविड के टाइम भी उन्होंने अपनी योगदान दिया, पर ना ही उनको टाइम पर तनख्वाही मिल रही, ना ही उनका जो ऑनरेरियम है वो बढ़ रहा है, तो उसी के चलते हमने यह सवाल किया, और आपने देखा मैडम का किस कदर एटीट्यूड है, वह रे ब्यूरोक्रेसी किस कदर पीक पर है, और किस तरह से तानाशाही करे जा रही है, अगर एक मीडिया कर्मी का सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, तो खुद आप अंदाज़ा लगाइए कि आम कर्मचारी का या आम इंसान की कहाँ सुनवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज हम अपनी जनता तक छोड़े जाते हैं, क्या हमारा सवाल करना गलत था, क्या उन हजारों बहनों का, माओ का जो सड़कों पर उतरी थी, धरने प्रदर्शन कर रही थी, और शीतल नंदा जी के पास शायद उनका कोई जवाब नहीं था, तभी वो अपनी गाड़ी ऐसी गाड़ी में बैठकर भागती नजर आई। दर्शक जो भी समय देख रहे हैं, अपने इस वीडियो में कमेंट जरूर दीजिए और इसी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, जय हिंद जय भारत।